हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी। मैंने पूरी लिस्ट रेडी की है राजस्थान और गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, विद कट ऑफ, विद फीस। उसके अलावा जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माई सेल्फ अक्षिता शर्मा एंड आई एम एन इंटर्न स्टूडेंट ऑफ ए BMS कॉलेज एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान के कॉलेजेस की बात करते हैं। राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज है NIA। NIA के बारे में तो सभी जानते हैं, ये इंडिया की टॉप 5 कॉलेज में बोल सकते हो आप, टॉप 5 कॉलेजेस में आती है। और ये आपको ना सेंट्रल काउंसिलिंग से मिलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि NIA जयपुर जो है वो BMS के कोर्स कराता है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब MD या MS इन आयुर्वेदा आप कर सकते हो। PhD का कोर्स और डिप्लोमास भी यहाँ पर होते हैं। इस कॉलेज की ईयर वाइज फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में आपको 580 मार्क्स से ज़्यादा लाने होंगे, क्योंकि कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा गई है और ये इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज में है, तो मार्क्स तो आपको ज़्यादा चाहिए। नंबर 2 MMM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि उदयपुर की है, ये कॉलेज भी अच्छी है। मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर, ये 1944 में एस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि ओल्ड है तो अच्छी कॉलेज होगी। और 40 के इसकी फीस रहने वाली है। 75 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर और पिछले साल इसकी कट ऑफ 26,900 के समथिंग गई थी, तो इस साल भी इसके आसपास ही रहने वाली है। नंबर 3 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि जोधपुर में है। इसी के अंदर राजस्थान की सारी कॉलेजेस आती है, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस आती है, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेजेस। और गवर्नमेंट कॉलेज तो इसमें आती है, प्राइवेट कॉलेजेस भी आती है। बस NIA जो है अब वो सेंट्रल काउंसलिंग से आपको मिलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है वो BMS के अलावा BHMS, BUMS, BNYS ये कोर्सेज भी कराती है। और आजकल तो आयुष के ये जो सारे कोर्सेज है ना, इसमें काफ़ी स्कोप है। लोग योगा में कितना आगे जा रहे हैं, नेचुरोपैथी, योगा, अगर आप ये ले लेते हो, सीख लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। तो राजस्थान की ये जो 3 कॉलेज थी वो तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब जो मैं कॉलेजेस बता रही हूँ वो पिछले साल ही इसमें एडमिशन होना शुरू हुआ है। 6 कॉलेजेस है जो न्यू ओपन हुई थी पिछले साल ही। उनका नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय कोटा, ये तलवंडी एरिया जो है ना उधर है ये कॉलेज। और इसकी जो फीस है 9,000 पर ईयर है। इंटर्न में जो स्टाइपेंड है वो 14,000 मिलता है और हॉस्टल फीस जो है इसकी 7,000 है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय सीकर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय भरतपुर और बीकानेर, जयपुर, अजमेर, इन सब की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। तो ये थी सारी राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेजेस। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है मेरी कॉलेज का नाम भी जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं समझती हूँ ये क्यूरियोसिटी आपको लगता है कि मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ तो बहुत अच्छी कॉलेज से निकली हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप जाके मेरी नीट स्टोरी सुनिए। और मैंने अपने कॉलेज का नाम जो है पिछली वीडियोस में बता रखा है, पर फिर भी मैं फिर से बता दूंगी, आप पहले जाके नीट स्टोरी सुनिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे कॉलेज के बारे में और डिटेल्स आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक वीडियो पूरी मेरी कॉलेज को लेके ही बनाऊंगी, पूरी डिटेल्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, मेरा क्या सीन रहा कॉलेज में, फिर से आपको बताऊंगी। तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। और गुजरात की BMS की गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने है। गवर्नमेंट अखंडानंदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है ये, गुजरात में। 1965 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसमें 94 सीट्स हैं UG की और इसकी जो रैंक जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो 30-40 के रैंक तक गई थी, तो इस साल भी इसके लगभग ही रहने वाली है। उसके अलावा गुजरात की जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो वडोदरा में है, भावनगर और जूनागढ़ में है, जिसकी रैंक और फीस मैंने स्क्रीन पे शो कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और लगता है कि मेरा कंटेंट जो है वर्डफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि और आपको कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में जानना है। वैसे तो मैं नेक्स्ट दूसरे स्टेट की भी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो भी बनाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।